इसीलिए कह रहा रावलपिंडी से बोरिंग एक्टिविटी होगी तो आप सो जाए। हाँ, रावलपिंडी से जी एक कॉल लेते हैं। वरीशा की, अस्सलाम वालेकुम वरीशा। अस्सलाम वालेकुम। हेलो, क्या हाल चाल है? ठीक ठाक, आप ठीक हैं? यार बिल्कुल ठीक ठाक। तुम बताओ, पिंडी का मौसम कैसा है? पिंडी का बस कभी बादल कभी धूप, कभी बादल कभी धूप। यार तो बस ठीक है, ऐसा चलता रहता है ना, गर्मी सर्दी भी ऐसी चलती है। सही सही। बारिश हुई तो आज हमने फूड फॉर थॉट रखा है, उस पर सोच के जरा मुझे 4646 पर SMS करना। अभी आप प्रोफेसर मुईज से बात करें। हाँ जी, मुझे अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। डॉक्टर साहब, मैंने आपसे एक मसला डिस्कस करना था। जी बिल्कुल करें। एक तो ये है कि मैं नींद पूरी लेती हूँ, 8 घंटे की नींद भी लेती हूँ। उसके बावजूद मुझे सारा दिन थकान और चिड़चिड़ापन, मतलब यूं लगता है मुझे नींद आ रही है और मजीद की। बिल्कुल सही। और उसके अलावा मतलब बच्चे जरा सा ऊंचा बोल रहे हैं, हंस बोल रहे हैं तो मुझे एकदम से शोर से एलर्जी होनी शुरू हो जाती है, गुस्सा आना। ठीक। बात बात मतलब ज्यादा हंसे ना, कोई ऊंचा बोले ना, बात ना कोई दोहराए दोबारा। इससे मुझे बस यूं ही टेंशन बहुत ज्यादा। ठीक है यार, ये थैंक यू वेरी मच। ब्रेक के बाद ये मसला मैं भी डिस्कस करूंगी, मेरे साथ भी मसला। बिल्कुल है ना, ये GMP चल रहा होता रात को। नहीं नहीं, GMP तो चल ही रहा था रात को, लेकिन यार मैं अगर 20 घंटे भी सो जाऊं तो मुझे फिर भी लगता है कि काफी नींद कमी हुई। हाँ, नींद कमी हुई है। और अब छुट्टियों पर भी चली जाऊँ, कुछ कर लूँ, दो दिन वीकेंड पे दो दिन सोती भी रहूँ, उसके बाद भी मैं उठूंगी तो मुझे पूरा यकीन है मुझे लगेगा नींद ही नहीं हुई। ब्रेक लेते हैं जी, ब्रेक के बाद वापस आएंगे, फिर और बातचीत करेंगे। प्रोफेसर मुईज हमारे साथ हैं। 4646 पर दो काम कर रहे हैं आज आप। अगर आपने डीप रिलैक्सेशन CD चाहिए आपको, अपने लिए या अपने किसी प्यारे के लिए, अपने किसी फ्रेंड के लिए, तो बिल्कुल हमें SMS करें। और दूसरा ये कि बारिश हुई तो को मुकम्मल कीजिए। आपको कोई याद आता है, आपको कोई वाक्य याद आता है, आपको कोई चीज नामुकम्मल लगती है, क्या होता है बारिश हुई तो, आप क्या करते हैं? तो एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक के बाद आपको फिर ज्वाइन करेंगे GMP मौज मस्ती में। वंस अगेन वेलकम बैक। मैं प्रोफेसर आपको बताई थी, ऑन एयर चला गया। मैं सच्ची मुच्ची में नाश्ता करके नहीं आती, हमेशा एज यूजुअल लेट होती हूँ। अब तो मुझे बताते हुए शर्म आती है उसके लिए, हाय आज मैं लेट हो गई। हर रोज जो बंदी मतलब इतनी ढीट है ना, रोजाना लेट आती हूँ और नाश्ता ऐसे हो रहा होता है गाड़ी में अजीब कुछ, तो यहाँ के आराम से तसल्ली अपनी प्रोग्राम शुरू किया, उसके बाद नाश्ता किया। एनीवे चलें जी। अच्छा। और SMS के साथ साथ जवाब। तो ये बता दूं मैं कि जो हम CD दे रहे हैं, ये CD में इतनी अमेजिंग है कि उन साहब को जिनको 22 साल नींद नहीं आई थी, CD से नींद आ गई और उसके बाद तमाम मेडिकेशन खत्म और वो अब बगैर CD के कुछ दिन सुननी पड़ी, ही कैन स्लीप रेस्टफुली। इट इज अमेजिंग, अमेजिंग। गुड गुड। तो ये CDs जो हैं वो सिर्फ जिन लोगों को नींद नहीं आती उन लोगों के लिए है या? आप अगर आप मैक्सिमम SMS करें और आप किसी को गिफ्ट कर दें जिसको नींद नहीं आती। अगर आप बहुत कमिटेड भी हैं, मसरूफ भी होते हैं तो भी आप ये स्टूडेंट्स के लिए बहुत अच्छी है। स्टूडेंट्स के लिए एग्जाम की एंग्जाइटी होती है, रात को सुना तो है ना आपने, आपने पढ़ाई की CD सुनी, सो गए, सुबह फ्रेश उठे आप, वो नींद वाला मसला नहीं होगा कि नींद नहीं आ रही, कल्टियां खा रहे हैं, कलाबाजी खा रहे हैं। कुछ अजीब किस्म के स्टूडेंट्स भी होते हैं ना जिन्हें एग्जाम के समय बहुत ही नींद आती है, बहुत ही नींद आती है, वो इस वजह से कि भाग रहे होते हैं, रन अवे फ्रॉम चैलेंजेस, दे वॉन्ट टू रन अवे, डिप्रेशन में चले जाते। अच्छा, अब दो सवाल थे, एक आपका प्रॉब्लम था, एक उस खातून का प्रॉब्लम था। एक ही जैसे प्रॉब्लम? हाँ, एक ही जैसे है, मगर पर्सनैलिटी दोनों डिफरेंट है। ठीक है ना, उन्होंने कहा मैं 8 घंटे भी सोऊं फिर भी मुझे लगता है कि मुझे नींद पूरी नहीं मिली। और आपने कहा कि मैं भी छोटी छोटी बातों पे जाग जाती हूँ या पूरी गहरी नींद में नहीं जाती। नहीं, मुझे ये प्रॉब्लम होती है कि मैं जितने देर भी सोलूं मुझे लगता आपको लगेगा नींद पूरी। अच्छा, अब आप ट्राई करें और ये मेरा मशवरा है, एक नुस्खा दे रहा हूँ आपको। आप एक दिन डिसाइड कर लें कि एक कहते हैं मौन व्रत कहते हैं, चुप शाह का रोजा, आप पूरा दिन डिसाइड कर ले आज मैं बोलूंगी नहीं। ये आप अपने फायदे के लिए कह रहे हैं? नहीं, ये अपने फायदे के लिए कह रहे हैं? चिल्ड्रन प्रोग्राम, इन्हें शिकायत होती मैं बोलती हूँ, तो ये अपने फायदे के लिए मैं। अच्छा, चुप शाह का रोजा तो अगले 15 मिनट हो जाए, चुप शाह का रोजा। सही सुने तो सही। जिस दिन आपका वीकडे हो, वीकेंड हो और आपने पता छुट्टी आज मिली, तो आप होगा क्या कि चूंकि आपको आदत है इजहार की एक आदत है ना, आप बॉडी लैंग्वेज से भी इजहार करती हैं, वर्ड से भी इजहार करती हैं, एक्सप्रेसिव पर्सन, आंखों से भी करती हैं। ठीक है, जब आप नहीं करेंगे इजहार जबान से, तो आपकी आंखें और आपके जेस्चर और आपका फेशियल एक्सप्रेशन करेगा इजहार।
रात को जब आप सोएंगी तो जितनी देर भी आप सोएंगी, ये मैं आपको दावे के साथ कहता हूँ, आप ऑन एयर बाद में बताइएगा एक्सपीरियंस करके कि आप सुबह उठे तो आपको ऐसा लगेगा भरपूर नींद आपको मिलेगी। मतलब बात नहीं करूँ तो? बस बात नहीं करें, बाकी इजहार करें हाथों से आंखों से। इस वीकेंड पर ट्राई करूं? एक बार ट्राई करें। वकार को बता दें पहले से कि मैं बात नहीं कर रही, कोई तुमसे नाराजगी नहीं है। हाँ। वकार को बता दीजिएगा। वैसे ही हमारी कम बात होती है, सुबह सलाने को रात को सलाने को होती है। अच्छा, अब इस खातून का मसला है। इस खातून का ये कहना है कि एक तो इनको नींद पूरी नहीं मिलती चाहे आठ घंटे सोती है। इसका प्रॉब्लम ये है कि नींद के उस स्टेज में दाखिल नहीं होती जिसकी हम बात कर रहे थे इनिशियली, जिसको हम डीप स्लीप कहते हैं। ठीक है। उसके लिए एक बड़ी अमेजिंग टेक्निक है जो साइंसदानों ने और डॉक्टर्स ने डेवलप की है। अच्छा, वो जल्दी से बताएं ताकि वो जल्दी से बता दूं। अब वो टेक्निक क्या है, उस टेक्निक के लिए आपने एक वीक उस टेक्निक को करना होगा, उसके बाद आपकी स्लीप का पैटर्न चेंज हो जाएगा। ओके। टेक्निक ये है कि आप दिन में चार मरतबा 20-20 मिनट के लिए सोएंगी। दिन में चार मरतबा 20 मिनट के लिए सोएंगी। ये वैसे हुआ जैसे आप मील्स लेते हैं। हाँ, अलार्म रखेंगी आप ताकि 20 मिनट के बाद आपको उठना है। Okay. आपको वापस 21 मिनट सोना नहीं है। अच्छा। तो आपने अलार्म रखा, आंखें बंद की, नींद आए ना आए 20 मिनट के बाद अलार्म बजा, आपने आंखें खोल ली। ठीक है। एक वीक के बाद आप जब नींद में जाएंगी रात को, तो आप नींद के उन तमाम एरियाज में जाएंगी जहां आपको जिस्म को वो जो तमाम जरूरतें जहन को वगैरह पूरी होंगी। 6 घंटे के बाद 8 घंटे के बाद भी आप उठेंगी तो आपको लगेगा भरपूर नींद मिली है। ये बेसिकली ट्रेनिंग है उन लोगों की कि जिनको किसी वजह से नींद कम चाहिए होती है, लेनी होती है, जरूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल कुछ ऐसे ऐसे काम होते हैं कि जिसमें यू कांट अफोर्ड टू स्लीप लॉन्गर, आप 3 घंटे से ज्यादा नहीं सो सकते, राइट? इंटेलिजेंस एजेंसी, मिलिट्री कमांडोज, उनको ट्रेनिंग दी जाती है। तो दिस इज अ पार्ट ऑफ दैट ट्रेनिंग कि जहां वो जितने देर भी सोएंगे, जब उठेंगे तो उनको लगेगा भरपूर नींद मिली। ये जो मिलिट्री कमांडो फौजी इंसानों के लिए आम इंसानों के लिए इनके अंदर ऊंटों वाले चलाए जाते हैं। एक ही दफा खा लिया बहुत, एक ही दफा सो गए बहुत दिन जागे हुए। अच्छा जी, हम एक कॉल लेते हैं। अस्सलाम वालेकुम। अस्सलाम वालेकुम डॉक्टर शाइस्ता। वालेकुम सलाम अलीना, क्या हाल चाल है? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? बस यार बहुत अच्छी, तुम बताओ क्या हो रहा है? बिल्कुल ठीक ठाक हूँ डॉक्टर साहब, को अस्सलाम वालेकुम कहना चाह रही हूँ। वालेकुम अस्सलाम, कैसे हैं सर? अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा डॉक्टर शाइस्ता, एक प्रॉब्लम है वो डिस्कस करना चाहती हूँ डॉक्टर साहब के साथ। श्योर। प्रॉब्लम ये है कि जी 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 प्लीज कीजिए जी। प्रॉब्लम ये है कि ऑफिस में जॉब करती हूँ, प्राइवेट कंपनी में जॉब करती हूँ मैं। प्रॉब्लम ये होती है कि सुबह में जल्दी उठना, ये चीज़ तो है कि 10 बजे तक हमें पहुँचना होता है उस जगह पर ऑफिस में। Okay. लेकिन प्रॉब्लम ये होती है कि हम लोग 3 दिन अगर लेट जाते हैं तो हमारे 1 दिन की सैलरी डिटेक्ट होती है। इस चीज़ की टेंशन इतनी लगी रहती है मुझे कि